अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारक लैब और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो जो है ये विंडोज़ 10 के बारे में है कि जब हम फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और सी ड्राइव के अलावा कोई एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करते हैं जैसे डी, ई या एफ, तो वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद में शो नहीं होती। तो ये ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, कभी कभी कुछ कंप्यूटर में ऐसा होता है। तो इसको आज हम ये देखेंगे कि उसको किस तरह दोबारा हम सामने ला सकते हैं। तो अभी जो मुझे ये इशू आया है ये तोशिबा लैपटॉप C55 है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको फॉर्मेट किया है और दो पार्टीशन क्रिएट की थी, एक सी जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल की है और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन थी जिसको यहाँ सामने होना चाहिए था, वो डी हो या ई हो या एफ हो, लेकिन वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद वो सामने नहीं आई। पार्टीशन है लेकिन अब हम देखते हैं कि उसको किस तरह सामने लेके आना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले ये विंडोज़ जो है इसको साइड पे करते हैं ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि किस तरह पार्टीशन सामने आएगी। कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे और मैनेज जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। जी, ये मैनेजमेंट की जो विंडो है ये ओपन हो गई है। अब इसमें डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। और ये इस वजह से होता है कि इसमें जो ड्राइव का जो लेटर है, ड्राइव लेटर, वो असाइन नहीं हो पाता डी, ई या एफ। तो उसमें सिर्फ हमने यही करना होता है कि इसका जो ड्राइव लेटर है वो हम कोई असाइन करते हैं या कोई नया जो ड्राइव लेटर है इसको एलोकेट करना होता है, तो उसमें फिर वो ये डिस्क जो है वो शो हो जाती है। तो ये देखिए ये सामने है लेकिन माय कंप्यूटर में शो नहीं हो रही। अब इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, चेंज ड्राइव लेटर, इस ऑप्शन में आएंगे। अब यहाँ पे ऐड में जाएंगे और कोई भी जो ड्राइव लेटर है जो इसमें मिसिंग है वो हम ऐड कर देंगे। जैसे अभी जो विंडोज़ ने सजेस्ट किया है वो डी है, डी भी दे सकते हैं या कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं सी के अलावा, तो हम डी ही रहने देते हैं। ओके किया। जी, तो ये अब जो ये शो हो चुकी है विंडोज़, उसमें माय कंप्यूटर में आप देखेंगे वहाँ पे ये शो हो चुकी है और वहाँ पे इसको सिर्फ रिफॉर्मेट करना है। तो हम इसे ये देखिए, इसी तरह जब हम कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो पहले जो हमने ड्राइव क्रिएट की होती है उसको अगर फॉर्मेट नहीं किया तब भी यहाँ पर शो होती है और बाद में हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब इसको सिर्फ फॉर्मेट करेंगे। स्टार्ट, ओके। जी, तो ये फॉर्मेट भी हो गई है और इसमें जितनी भी कैपेसिटी थी वो शो हो गई है, अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिसकी वजह से आप ये जो ड्राइव है अगर वो हाइड हो जाए तो उसको सामने ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।